रहे हैं, बहुत सारी कमेंट्स से रिलेटेड सब कुछ आ रहा है। पहले एक बार मैं आवाज़ चेक कर लेता हूँ यार, आवाज़ चेक आ रही है कि नहीं, दोबारा से फिर से कहीं ऐसा ही हो। ठीक है, क्योंकि पहले वाले में आवाज़ नहीं आ रही थी अच्छी से। सारे डाउट क्लियर करेंगे, मेरे रिजल्ट में जितने भी प्रॉब्लम आ रही है, RLA, रीअपीयर, रिवोल्यूशन, रीचेकिंग, रीचेकिंग, रिवोल्यूशन के कब फॉर्म भरे भरे जाएंगे, ये सब थोड़ा नेटवर्क स्लो लग रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ आ रही है ना, जितने भी लाइव चैट देख लेते हैं हम दूसरे, उसमें किसी का भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं RL का बता देता हूँ, जितने भी BEd फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, RL क्यों आया है। ठीक है, RL इसलिए आ रहा है जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस मतलब सॉरी जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है, वहाँ के कॉलेज ने कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग रखा है, या तो वो माइग्रेशन का है या फिर माइग्रेशन की फ़ीस पेंडिंग रखी है, इसलिए आप लोगों का क्या है RL शो किया हुआ है। BEd फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ मैं, इसलिए RL शो किया हुआ है आपका, कुछ ना कुछ मतलब पेंडिंग है। तो आज जैसे कि BEd सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया, सबसे पहले मैं उन सभी भाइयों को, जितने भी सिस्टर्स हैं अपनी और जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े और आप लोगों ने इतना सपोर्ट और इतना प्यार मेरे को दिया, और आगे भी ऐसे ही देते रहना। ठीक है, और आप लोगों का रिजल्ट इतना अच्छा आया है, जिन भी भाइयों का रिजल्ट इतना अच्छा आया, उन जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट इतना अच्छा आया, उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के 80+ जो परसेंटेज गए हैं, 81%, 82% गए हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट गया। ठीक है, और जिन भी स्टूडेंट का RLA, RL, LOW दिखाया गया है, रीअपीयर दिखाया गया है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, रिवोल्यूशन रीचेकिंग के फॉर्म कब भरे जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के साथ। और किसी का भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं लाइव। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जिनका भी RLA आया है, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का RLA आया है, वो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट अपने मार्क्स में देखेंगे आगे, उनका मार्क्स में किसी न किसी सब्जेक्ट में या तो उनके कम नंबर में है या फिर उनके नंबर ही नहीं लगे हुए। ठीक है, RLA का मतलब क्या है कि आप या कुछ न कुछ पेंडिंग बचा है। ठीक है, मतलब क्या, या तो आपका प्रैक्टिकल नंबर नहीं पहुंचे हैं यूनिवर्सिटी तक, या आपका असाइनमेंट असेसमेंट नंबर नहीं पहुंचे हैं आपके यूनिवर्सिटी तक, या आपका जो PDF फाइल है, जो भी आंसर शीट की PDF फाइल है, वो ठीक से चेक नहीं हो पाई है, वो ब्लैंक ब्लर निकल गई है, कुछ ऐसा ही हुआ है, मतलब कोई ना कोई चीज़ पेंडिंग है, इसलिए आपका RLA शो कर रहा है। ठीक है, और जो LOW है उसका भी मतलब यही है कि भाई रिजल्ट लेटर ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्क। ठीक है, तो आपका जितने भी मार्क्स हैं, जितने भी नंबर की जो अवेलेबिलिटी है, वो यूनिवर्सिटी को नहीं मिल पाई है कि भाई आपके इतने नंबर मिले हैं, इतने नंबर आए हैं, तो आपको करना क्या होगा, आपको यूनिवर्सिटी में जाना होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जाके आपको वहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी है कि भाई हमारा इस सब्जेक्ट में ये रोल नंबर है, ये RLA आया है। तो इसलिए उन सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जिनका भी RLA आया है, वो या तो आप अपने जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है उस कॉलेज से बात करिए कि आपका हमारा RLA क्यों आया है, अगर आप आने में असमर्थ है तो। ठीक है, नहीं तो आप खुद जा सकते हैं यूनिवर्सिटी में, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिवर्सिटी में खुद जाके आप बात करिए कि हमारे सब्जेक्ट में, हमारे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर लगे हुए और RLA दिखाया गया, क्यों दिखाया गया। ठीक है, रीअपीयर वाले स्टूडेंट का तो आपको पता ही है, जिन्होंने जिनका रीअपीयर आया वो रिवोल्यूशन एक दो नंबर से अगर बचा है तो रिवोल्यूशन और रीचेकिंग के दोनों एक साथ फॉर्म भरे। ठीक है, एक फॉर्म ना भरे कि रीचेकिंग रीचेकिंग भर दिया आ जाएंगे नंबर पूरे हो जाएंगे, नहीं, रिवोल्यूशन और रीचेकिंग दोनों भर लेना। ठीक है, आपका जो एक दो नंबर की कमी है वो पूरी हो जाएगी जहाँ तक उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो रीअपीयर जिनका भी आया है वो सभी रिवोल्यूशन रीचेकिंग के फॉर्म भर देना। ठीक है, और रिवोल्यूशन और रीचेकिंग के फॉर्म कब तक भर सकते हैं, रिजल्ट आने के एक पहले लेटर, पहले वीडियोज में मैंने लेटर भी डाल रखा है एक, जो यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया था अपनी वेबसाइट पे, जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट आता है, ठीक है, वो रिवोल्यूशन और रीचेकिंग के फॉर्म रिजल्ट आने के 15 दिन बाद तक भर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट आने के 15 दिन बाद तक आप अपने रिवोल्यूशन और रीचेकिंग के फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो BEd फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कोई भी स्टूडेंट हो, अपने रिवोल्यूशन का जो है रीचेकिंग के फॉर्म भर सकते हैं एग्जाम के 15 दिन तक। ठीक है, ओके, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है चैट नहीं कर पा रहे होंगे स्टूडेंट, कुछ ऑन हो गया यार गलती से, है ना, चैट नहीं कर पा रहे ना सभी स्टूडेंट, एक सेकंड रुके भाई, मैं कुछ सेटिंग